Assalamu alaikum, this is Shahzeb and you are watching Zebitech. तो Xiaomi ने finally launch कर दिया है China के अंदर Mi 11 को. अब ये जो smartphone है ये इस time का सबसे most powerful smartphone है Android के अंदर. इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी specifications देखने को मिल जाती हैं. इसका जो launch है globally भी बहुत ही जल्द होने वाला है. और बात यहाँ पे आ जाती है पाकिस्तान के launch की, पाकिस्तान के market के अंदर कब तक launch हो सकता है और इसके अलावा इसकी जो price है वो क्या होगी और इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, मींस के इसके जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो क्या हैं. तो आज की वीडियो कंप्लीट इसी के बारे में होने वाली है. तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की. तो इसका डिज़ाइन हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, एक यूनिक डिज़ाइन देखने को मिलेगा. इसकी बैक पे नीचे वाली साइड पे हमें जो हमें Xiaomi की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और इसी तरह जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें iPhone 12 की सीरीज़ की तरह देखने को मिल जाता है. यहाँ पे मेन सेंसर हमें दो बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे और जो ट्रिपल सेंसर है वो छोटा सा देखने को मिलेगा और उसके नीचे ही हमें जो LED फ्लैश लाइट है वो देखने को मिल जाएगी. और इसकी जो बॉडी है वो हमें प्रोटेक्टेड देखने को मिलेगी गोरिल्ला ग्लास विक्टस से. इसी तरह यहाँ पे बात कर लीजिए इसके फ्रंट साइड की. तो फ्रंट साइड हमें जो इसका डिस्प्ले है वो कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और हमें पंच होल देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड पे छोटा सा. और डिस्प्ले साइज़ की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हमें 6.81 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और एक ये AMOLED डिस्प्ले होने वाला है. और यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 2K रेजोल्यूशन देखने को मिलेंगी, यानी कि 1440p रेजोल्यूशन. तो यहाँ आप 1080p में वॉच कर सकते हैं YouTube वगैरह के वीडियो और 1440p में भी वॉच कर सकेंगे. तो डिस्प्ले इसके अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है. 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलेगा और 515 PPI की जो पिक्सल डेंसिटी है वो देखने को मिलेगी. तो यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है वो काफ़ी शार्प देखने को मिलेगा, एजेस वगैरह हर चीज़ के काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे. इसके साथ साथ इसके अंदर हमें 1500 निट्स की जो मैक्स ब्राइटनेस है वो भी देखने को मिल जाएगी. तो डे लाइट में विजिबिलिटी इसके अंदर काफ़ी अच्छी होने वाली है. आप सनलाइट में भी यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी. और इसके अलावा इसके फ्रंट साइड पर भी हमें जो गोरिल्ला ग्लास विक्टस है वो देखने को मिल जाएगा. तो चारों तरफ से ही, बैक साइड से भी, इसकी बॉडी भी और फ्रंट साइड से भी, यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड देखने को मिल जाएगा. तो ओवरऑल ये एक प्रीमियम स्मार्टफोन होने वाला है. इसकी जो प्राइस है वो भी ऑब्वियसली ज़्यादा है. तो डिस्प्ले वाली साइड से हमें काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन ये देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लीजिए इसके मेन हाईलाइटिंग फीचर की, वो है इसकी प्रोसेसर. इसके अंदर हमें जो मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर है एंड्रॉयड का इस टाइम Snapdragon 888 देखने को मिल जाएगा, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है. इसके साथ हमें जो Adreno 660 का जो GPU है वो देखने को मिल जाएगा. तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो टॉप ऑफ द लाइन की देखने को मिल जाएगी. कोई भी आपको लैग्स वगैरह किसी भी चीज़ में नहीं देखने को मिलेंगे. आप गेम्स वगैरह हैं वो फुल हाई सेटिंग पर रन कर सकेंगे. इसके अलावा PUBG है वो भी HDR अल्ट्रा HD पर रन कर सकेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी. तो आप कह सकते हैं कि ये इस टाइम का सबसे मोस्ट पावरफुल डिवाइस होने वाली है. इसी तरह यहाँ पे इसके वेरिएंट्स की बात कर ली जाए तो ओवरऑल इसके चाइना के अंदर 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, 8 128 के साथ, 8 256 और 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ. और यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप रखी गई है वो UFS 3.1 की है और जो रैम टाइप है वो LPDDR5 है. तो यहाँ पर रैम ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और जो स्टोरेज की स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है. लेकिन पाकिस्तान के मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड यही है कि एक लॉन्च किया जाए जो कि 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज का होने वाला है. और इसके यहाँ पे प्राइस की बात कर लीजिए एक वेरिएंट की, जो कि लोअर वेरिएंट है 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ, तो चाइना के अंदर इसकी जो प्राइस है वो 4000 युआन है. तो इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो कोई 98,000 के करीब बन रही है. तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी जो प्राइस है वो 1 लाख के करीब करीब या 1 लाख के जो ऊपर है, 1,02,000 या 5,000 ऐसे देखने को मिल जाएगी. आपके ख्याल में इसकी जो राइट प्राइस टैग है वो क्या होना चाहिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की. तो इसकी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ हमें जो MIUI 12.5 है वो देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे हमें लेटेस्ट एंड्रॉयड भी देखने को मिल जाता है. और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात कर ली जाए तो वो डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिलेगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर विद हार्ट रेट मॉनिटरिंग. और इसके अलावा फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा इसके फ्रंट कैमरा के अंदर. तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है. अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके कैमरास की. तो बैक साइड पे जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है उसके अंदर जो मेन सेंसर हमें 108 MP का देखने को मिल जाएगा और इसका जो अपर्चर है वो हमें 1.85F देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे आपको जो वाइड इमेजेस हैं वो भी देखने को मिल जाएगी क्योंकि वाइड एंगल लेंस है ये. और इसके अलावा लो लाइट शॉट्स की बात कर लीजिए तो काफ़ी हद तक आपको अच्छी क्वालिटी के नाइट शॉट्स
देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह सेकंड सेंसर इसके अंदर हमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस देखने को मिलेगा और उसका जो अपर्चर है वो हमें 2.4F देखने को मिलेगा। और जो थर्ड सेंसर है वो हमें टेली माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा और वो 5 मेगापिक्सल का है और उसका जो अपर्चर है वो भी हमें 2.4F देखने को मिल जाता है। तो बैक साइड पर कैमराज हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट की बात कर लीजिए तो फ्रंट साइड पे जो पंच होल है उसके अंदर हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा, तो फ्रंट साइड पे भी सेल्फी अच्छी देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लीजिए तो बैक साइड से हमें जो 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी और जो स्लो मोशन हैं वो भी 960fps के देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी इंसेन देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे Mi 11 का जो वेट है उसकी बात कर ली जाए तो 196 ग्राम का इसका वेट देखने को मिल जाएगा और जो थिकनेस है फ़ोन की वो 8.06 mm देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे अच्छा खासा थिकनेस नहीं देखने को मिलती, यहाँ पे नॉर्मल आपको जो स्मार्टफोन है वैसा ही देखने को मिल जाएगा। इसकी बैटरी की बात कर लीजिए तो इसके अंदर हमें 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि ठीक है, यहाँ पे 5000 की रखी जाती तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती थी, लेकिन फिर भी एक अच्छी बैटरी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ इसके अंदर हमें जो फास्ट चार्जिंग है वो 55 वॉट की देखने को मिलेगी और वायरलेस चार्जिंग भी हमें 50 वॉट की देखने को मिल जाती है और जो रिवर्स चार्जिंग है वो हमें 10 वॉट की देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ हमें जो टाइप सी पोर्ट है वो भी देखने को मिल जाएगी। तो बैटरी वाली साइड से भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस Mi 11 की, और कोई भी मिसिंग है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बात कर लीजिए यहाँ पे इसके लॉन्च की, तो इसका जो लॉन्च है फरवरी में देखने को मिल सकता है हमें, फरवरी के स्टार्ट में या मिड में इसका लॉन्च कर दिया जाएगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। और प्राइस मैंने आपको बता ही दी है इसकी 8GB RAM और 128GB स्टोरेज की जो हमें 1 लाख के करीब करीब देखने को मिल जाएगी। तो ये बस थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।